हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन वॉरियर्स किड यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका वॉरियर्स किड यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है डिस्कस करने वाले पार्ट नंबर टू। इससे पहले हमने देखा कि एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने क्या उसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, रिटर्न एग्ज़ाम की हमने बात की थी वहाँ पर। रिटर्न एग्ज़ाम के अलावा जो एसएसबी इंटरव्यू होता है 5 डेज का, उसका हम अलग से डिस्कशन है, यहाँ पर एक अलग से वीडियो है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। इसके अलावा आज हम बात करने वाले इस पार्ट टू में कि किस तरह से जो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि हमें जो है एग्ज़ाम में हमारे 75+ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें और हमारे जो मार्क्स हैं 180+ हो। तो बेसिकली पूरा कवर नहीं कर पाए, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चंस का। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं को देखेंगे कि किस चैप्टर्स हैं, किस टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस एग्जाम में पॉसिबल है आ सकते हैं, अब तक इस चैप्टर से एवरेज कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हमने जो है उसी से रिलेटेड ये वीडियो है पूरा। देखते हैं यहाँ पर चैप्टर वाइज वेटेज की हम बात कर रहे हैं। तो जब एलजेब्रा की हम बात करें तो एलजेब्रा बेसिकली आपकी 10th लेवल तक की रहेगी, तो इससे 75 क्वेश्चंस हैं, 75 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चंस। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके टोटल क्वेश्चंस आते हैं 120 और आपका जो टोटल मार्क्स होता है मैथमेटिक्स वाले पार्ट का वो 300 का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका वन क्वेश्चन कितने का हुआ, 2.5, यानी आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। इसके अलावा आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपका कितना, अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो किसी क्वेश्चन को तो आपका डिडक्ट होता है 0.83 मार्क्स आपके कट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका पैटर्न था, उसके हमने देखा। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एलजेब्रा का कितना वेटेज रहता है। तो एलजेब्रा के जो है 75 मार्क्स रहते हैं, 30 क्वेश्चंस के पॉसिबल हैं। ये क्वेश्चंस का वेटेज है एवरेज, अब तक जितने भी एनडीए के एग्जाम हुए उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे, कितने आए हैं, उन्हीं को यहाँ पर समराइज किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो 50 मार्क्स 20 क्वेश्चंस और डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे जो क्वेश्चंस आए वो 10 क्वेश्चंस थे और 25 मार्क्स। ओके, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का आपका पार्ट कहाँ तक का, 10th लेवल तक का, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं और 50 मार्क्स होते हैं। वेक्टर एलजेब्रा की हम बात करें तो वेक्टर एलजेब्रा में जो है 10 क्वेश्चंस 25 मार्क्स। स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, 10th क्लास में भी है, 9th में भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट है और 12th में है ही सही। तो हम यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 10 क्वेश्चंस। अब हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन बाकी हैं। 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके डिफरेंशियल कैलकुलेशन इंटीग्रेशन से, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से, यानी कि 10 to 13 या 14 क्वेश्चंस तो आपके हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से होंगे, जो अवकलन वगैरह का होता है, और समाकलन यानी इंटीग्रेशन से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे। तो ये था हमारा 120 क्वेश्चंस को हमने डिवाइडेड किया कि वेटेज क्या क्या है इनका। और अब आपको एक सजेशन है कि आप स्ट्रेटेजी तो आपने देख लिया कि हमारा किस चैप्टर से हमारा कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पॉसिबली। इसके बाद हम बात करेंगे कि बुक्स कौन सी हम प्रिफर करें, बुक्स कौन सी पढ़ें कि जिससे हमारा काफ़ी हेल्प मिले। सबसे पहले तो आपको एक सजेशन है कि कोई सी भी बुक पढ़ो, पर्टिकुलर एक बुक सेलेक्ट करो और उसको आप कम से कम जो है 8 से 10 बार उसका रिवीजन करो, तब जाकर आप जो है अपना कॉन्सेप्ट, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करने हैं तो आपको जो है 9th 10th के बुक्स जो है मैथ्स की वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप जो है आपका जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए आपको 11th 12th का पूरा मैथ वाला पार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको NCERT पढ़नी चाहिए, NCERT की बुक्स आपको प्रिफर करूंगा मैं इसके लिए कि आप NCERT की बुक्स पढ़ो। और अगर आप चाहते हो कि सर प्रैक्टिस सेट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए एक मार्केट में एक बुक आती है पर्टिकुलर, वो मैं किसी का यहाँ पर बात करूँगा मैं अरिहंत की, आर्यन पब्लिकेशन नाम से पाथ फाइंडर एक बुक आती है, जिसमें अच्छा उसमें मटेरियल है, काफ़ी उसमें प्रैक्टिस सेट है और पूरा उसमें प्रैक्टिस सेट इसके साथ पूरा मटेरियल होता है उसमें, जिसमें आपके चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आप जो है अरिहंत या कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे, आपको अभी तक एग्जाम में जिससे अच्छा पोर्शन आया हो
और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो तो आप उस बुक को सेलेक्ट कीजिए। बट मेरी आपको सजेशन है कि आप अरिहंत के जितने भी स्टडी मटेरियल है NDA का उसको आप चुनना, और इसके अलावा अरिहंत का जो पाथफाइंडर आता है, पाथफाइंडर नाम से एक बुक आती है, वो भी आप उसमें प्रेफर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे जो अगला हमारा पार्ट होगा SSB इंटरव्यू का। SSB इंटरव्यू में किस तरह से हम कितना अच्छा अचीव कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या गाइडेंस है, क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, तो वो सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।